सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियोस में हम जो आपको डिज़ाइंस बनाकर बताने वाले हैं, ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइंस है और ये स्पेशली हम आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं। आई थॉट्स आपने इससे पहले ये डिज़ाइन नहीं देखा होगा। ये समथिंग मैंगो कैरी है बट न्यू डिज़ाइन है। इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो भी न्यू मटेरियल्स होगा, लाइक कुंदन्स गोल्ड स्प्रिंग एंड 3x3 कुंदन्स हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हम स्लीव्स में हमने काम थोड़ा कंप्लीट कर लिया है, जो हम आपको पहले नहीं दिखा पाए। बट ये जो वर्क है, आप अगर इसे रेगुलर वॉच करेंगे एंड कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करेंगे, सो आई थॉट यू मेक सेम डिज़ाइंस एट योर होम ओन होम। ओके, यू डोंट नीड टू buy online and you go design shops, you ask him I want blouse design. If you want to make your own design, so I think you watch properly my all videos. Okay, so right now we stitch jerkin stand straight lines. Okay, you need to drop off maximum 100-200 jerkins in your fabrics and stitch same like this. Okay, look at this. It's a experienced kariger, not a beginner. So that's why he stitch something like this. Okay, ये बहुत ही experienced कारीगर हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिन्हें हमने आपके लिए ही सिर्फ बिठाया है, जो आपको न्यू डिज़ाइंस हैं, न्यू सैम्पल्स हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, हम उन्हें बना के आपके साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी अगर आपने हमें फॉलो नहीं करा तो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी हम लेटेस्ट वीडियोस रील्स पोस्ट करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी सेम आईडी है, ऐसे के क्रिएशंस बोल के, आप वहाँ हमें ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर हम फोटोज़ वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, जैसे यूट्यूब पर करते हैं। ठीक है गाइस, तो सेम हम पहले जर्कन स्टैंड की लाइन स्टिच कर लेंगे। ठीक है, एंड अदर वन हम जर्कन स्टैंड के ऊपर गोल्ड स्प्रिंग स्टिच करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरह से वी स्टिच स्ट्रेट गोल्ड स्प्रिंग लाइंस। ओके, यू नीड टू वॉच ऑल माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट एंड डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ माई वीडियोज। ओके, इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइंस स्टिच कर लेनी है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से। सो अभी हमने कुंदन से स्टिक करने के बाद में जो फ्लावर्स हम बना रहे हैं, ये इसको मैंगो कैरी भी आप बोल सकते हैं, समथिंग लाइक दिस मैंगो कैरी, बट इट्स डिफरेंट। ओके, नॉट सिमिलर टू मैंगो कैरी, इट्स डिफरेंट। ओके, न्यू डिज़ाइन से इसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स करें, लाइक बॉर्डर हमने इसको बड़ा करा है बॉर्डर को। ओके, एंड जो मैंगो कैरी में जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट है। मैंगो कैरी में हमने जो ऑलरेडी डिज़ाइंस पहले सेट करे हैं उसमें हमने थ्रेड ज़्यादा यूज़ करा है, सो राइट नाउ वी यूज़ सम थ्रेड्स। ओके, नॉट टू मच, एंड राइट नाउ वी यूज़ डल बीड्स एंड गोल्ड स्प्रिंग एंड कुंदन्स। ओके, सो दैट्स वाई इट्स लुकिंग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू माई ओल्ड मैंगो कैरी डिज़ाइंस। ठीक है, सो इसलिए इसका जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, एंड थोड़ा सा ब्राइडल लुक भी आ रहा है, बिकॉज ये जो डल बीड्स है ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। एंड इसकी एक और स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ, ये कभी भी इसका कलर शेड नहीं होता है। जो पहले जो बीट्स चलती थी वो आफ्टर वन ईयर्स इट्स लुकिंग लेस शाइनिंग लेस। ओके, सो ये बीट्स में ये अच्छा ही है। आई थॉट्स इट्स बेटर देन योर ओल्ड बीट्स, लाइक लाइट बीट्स जो पहले चलती थी। ठीक है, सेम जो काम कर रहे हैं हम सेम उसी तरह से करेंगे। सो राइट नाउ वी आर इन द बैक एंड ड्राइंग ओवर डिज़ाइंस ऑल अराउंड द नेक। ठीक है, जो हम डिज़ाइंस हमने स्लीव्स में बनाया है सेम एज इट इज़ हमें बैक में भी बनाना है। ठीक है, इस तरह से आप देखते रहें। ओके, ये देखिए,
So right now we are in the sleeves back, okay? So we make booties, little bit booties all over in the sleeves, because sleeves का जो upper part है वो थोड़ा सा free रहता है. I thought कि वो थोड़ा gap रहता है and वो थोड़ा सा free दिखता है, इसलिए हम इसमें जो booties add करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं कि अच्छा दिखे और थोड़ा सा हेवी दिखे. दैट्स वाई वी मेक सम बूटीज़, ओके, नॉट अ लिटिल बिट, मैक्सिमम 10-12 बूटीज़. यू लुक एट दिस, मैक्सिमम वन स्लीव्स हैव 30-35 बूटीज़, ओके. इस तरह से हम इसको जब ब्राइडल बनाते हैं तो इस तरह से ही यूज़ करते हैं. So we are back in the sleeves and make same designs already we make in a back sleeves, okay. So same वैसा ही हमें flowers बनाना है. और ये जो back में हम जो flowers बनाते हैं उसमें actually जो ये flowers हैं इसका जो position है वो wrong नहीं होना चाहिए. So that's why we make very confidently and very slowly, okay. Because ये अगर flowers का look जो है थोड़ा सा भी bent हो जाएगा तो आई थॉट्स इट्स नॉट लुकिंग गुड एंड आई एम वेरी श्योर यू डोंट लाइक इट. दैट्स व्हाई वी मेक वेरी स्लोली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली, ठीक है. इस तरह से हमें बनाना है एंड वी आर राइट नाउ वी आर इन द बैक, ओके. एंड राइट नाउ वी आर इन द बैक एंड मेक some sticks, some kundans like this type, okay, and fill the center gap. This idea we will fill the center kundans, all kundans, okay. So इस तरह से जो बीच में big mango carry के बीच में जो space है हम उसे इस तरह से fill करेंगे, ठीक है. ये देखिए इस तरह से हम fill कर लेंगे, ठीक है. So right now we stitch some spring all around in the kundans, okay. So gold spring always we need, because gold spring is a complete over work, and we stitch all time gold spring and all arounds like kundans, like something about jerkin stand and kundans and other material we always use in gold spring, because without gold spring we don't make any designs, I think so, okay. If you want to make some jerkin stand design, so you make it easily. You don't need so gold spring. By the way, I'll tell you all materials link in the description. If you want to buy in online, please go and check out. It's all material in a genuine price and a genuine quality. We use already all materials, okay. So ये देख सकते हैं अब इसका जो final look है, ये इसका final look है guys. I thought so it's looking too much and you like my designs, you like my hard work and you like also my channel. So आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, अच्छा बुरा जो भी इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं या आपको जो भी अच्छा नहीं लगता आप हमें बताएं, हम उसे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. So ये स्लीव्स है इसका, बॉर्डर आई थॉट इट्स लुकिंग टू मच ब्यूटिफुल एंड यू ऑल्सो लाइक द बॉर्डर्स. सो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें. अगर आप किसी और को भी सिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो यू नीड टू वॉच प्रॉपरली माई ऑल वीडियोज़ एंड डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ माई वीडियोज़, बिकॉज़